हेलो एवरीवन, आइए एक छोटे से वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि सहसंबंध गुणांक क्या होता है और सहसंबंध क्या होता है। देखिए दोस्तों, दो से अधिक चल राशियों, घटनाओं या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को सहसंबंध कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दो से अधिक राशियां या घटना या वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को सहसंबंध कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए दो ऐसी चीज़ें हैं ए और बी, तो इनके बीच में क्या संबंध है? संबंध अर्थात क्या अगर हम ए को बढ़ाएं तो बी बढ़ेगा, या ए को बढ़ाएं तो बी घटेगा, या ए के बढ़ने या घटने से बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी संबंध को हम सहसंबंध कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिए, गिलफोर्ड ने कहा था परिभाषा इसको कि सहसंबंध गुणांक वह अकेली संख्या है जो यह बताती है कि दो वस्तुएँ किस सीमा तक एक दूसरे से सहसंबंधित हैं तथा एक के परिवर्तन दूसरे के परिवर्तन को किस सीमा तक प्रभावित करता है। ठीक है, अब भाई ये प्रकार से जब देखेंगे ना बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सहसंबंध के प्रकार एक होते हैं धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक शून्य सहसंबंध और रेखीय सहसंबंध। ठीक है, ये चार प्रकार हैं। अब आइए, धनात्मक का मतलब होता है कि जब आप किसी एक राशि को, जब पहली राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि भी बढ़े या पहली राशि के घटाने पर दूसरी राशि भी घटे, तो इस दिशा तो इसे क्या कहते हैं भैया? इसको हम कहते हैं दोनों राशियों में आपस में धनात्मक सहसंबंध है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बुद्धि और परीक्षा के प्राप्तांकों में धनात्मक संबंध है। कैसे? क्योंकि बुद्धि बढ़ाने पर, यानी कि कोई बच्चा ज़्यादा बुद्धिमान होगा तो उसके प्राप्त क्या होंगे? प्राप्तांक भी बढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से प्राप्तांक देख कर आप कह सकते हैं कि बच्चा क्या है दोस्तों? आमुक बालक, बुद्धिमान है, मतलब वो क्या है? बुद्धिमान है। ठीक है, तो जैसे बुद्धिमान और प्राप्तांक में क्या संबंध है? धनात्मक संबंध है। बंदा जितना बुद्धिमान होगा उसके प्राप्तांक उतने ही ज़्यादा होंगे। उसी प्रकार से ऋणात्मक संबंध, जब पहली चल राशि के बढ़ाने से दूसरी चल राशि घटे या जब दूसरी चल राशि के घटाने से पहली चल राशि बढ़े, तो इस संबंध को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस संबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अर्थात जब दो चल राशियों में विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है तो उनमें धन ऋणात्मक सहसंबंध होता है। नेगेटिव कोरिलेशन, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे खर्चे और बचत के बीच संबंध, खर्चे जितने ज़्यादा बढ़ेंगे हमारी बचत उतनी ही कम होगी और हमारी खर्चे जितने कम होंगे बचत उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? इंग्लिश मीडियम वाले जिसको पॉजिटिव कहते हैं, इसको नेगेटिव कहते हैं, इसको नल कहते हैं और इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन रिलेशन। चलिए, तो हमने धनात्मक देख लिया, ऋणात्मक देख लिया। अब नल शून्य सहसंबंध का मतलब, जैसे पहली राशि बढ़े या घटे दूसरी राशि पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसे ही रहता है, मतलब कोई संबंध नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जब पहली राशि की वृद्धि या घटाव दूसरी चल राशि का कोई अंतर उत्पन्न न करे तो इन दोनों में शून्य सहसंबंध है। एग्जाम्पल के तौर पे मनुष्य की आयु और उसकी धनराशि में शून्य संबंध है। मतलब आपकी आयु बढ़ेगी तो आपके घर पे धन बढ़ेगा, वो तो परिवर्तन, वो तो उससे कोई संबंध ही नहीं है ना। तो ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की आयु और उसकी धनराशि में शून्य संबंध है, कोई सहसंबंध नहीं। चलिए अब बात करते हैं रेखात्मक सहसंबंध। रेखात्मक सहसंबंध, जब दो चल राशियों के प्राप्तांक में इस प्रकार परिवर्तन हो कि उनका ग्राफ एक सरल रेखा में हो, तो इसे हम इस प्रकार के यह सहसंबंध को रेखात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैं आपको इससे अच्छा एग्जांपल दूंगा, पहले ये एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आयु और लंबाई चल राशि से संबंधित को ग्राफ पर प्रदर्शित करने पर चरों की वक्र रेखा सरल या सीधी वक्र रेखा है। इनके संबंध को रेखीय सहसंबंध कहते हैं। मतलब एक निश्चित समय तक आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी लंबाई बढ़ेगी, एक निश्चित समय तक। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा, एक निश्चित समय तक। तो ये देखेंगे, अगर मान लीजिए हमने एक ग्राफ बना दिया, अगर हमने यहाँ पे आयु, इसको हमने एज लिख दिया आयु, और इसको हमने हाइट लिख दिया, तो आप देखेंगे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी हाइट बढ़ेगी, एक निश्चित समय तक। अच्छा, इसके विपरीत मैं आपको बेहतरीन आपको एग्जाम्पल दूँ। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल लिखिए, कोई गतिमान गाड़ी का समय के सापेक्ष संबंध, जैसे मान लीजिए किसी गतिमान गाड़ी के समय और दूरी क्या संबंध। तो अगर कोई गतिमान गाड़ी है मान लीजिए, तो वो जैसे जैसे उसकी गतिमान समय जाएगा वैसे वैसे उसकी प्रारंभिक स्थान से दूरी बढ़ती जाएगी, तो ये क्या होता है? एक रेखीय होती है। समझ आ गया दोस्तों? बिल्कुल समझ आ गया। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उससे पहले थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लूँ। पॉजिटिव कोरिलेशंस,
नेगेटिव कोरिलेशन, नल कोरिलेशन और रेखीय लाइन, स्ट्रेट लाइन कोरिलेशन। चलिए अब आपसे सवाल मेरा ये है, छोटी सी वीडियो को यहीं ख़त्म करने वाले, कि आपके लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे खुशी के बीच क्या संबंध है, बताइए। ये बिल्कुल पॉजिटिव है दोस्तों, आपकी लाइक जितनी बढ़ती है मेरी खुशी उतनी बढ़ती है, वाओ। आपके कमेंट जितने बढ़ते हैं मुझे उतना ही अच्छा लगता है, और आप जितने ही शेयर करते हैं उतना ही मुझे अच्छा लगता है। तो इस पॉजिटिव कोरिलेशंस को जारी रखिए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरों तक शेयर करिए। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, समझ आया, पसंद आया क्या? अगर आप एग्ज़ाम में आपसे पूछता है तो आप लिख लेंगे? अगर हाँ लिख लेंगे तो कमेंट में प्लीज़ अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।